लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सीतापुर अग्रसेन भवन में छात्र को आज विवेकानंद युवा क्रांति टीम सीतापुर के द्वारा विवेकानंद जी के कार्यों व उनके मार्ग पर चलने हेतु नाट्य कला के माध्यम से अवगत कराया गया, जिसमें छात्र छात्राओं सहित काफी संख्या में सर्वधर्म संभाव के लोग उपस्थित रहे। विवेकानंद युवा क्रांति टीम समय समय पर नवयुवकों को सही मार्ग दिखाने और जागरूक करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन करती रहती है। जी बता दीजिएगा स्वामी जी, अच्छा कार्यक्रम रहा, किस प्रकार से कार्यक्रम रहा थोड़ा बताइए। देखिए, स्वामी विवेकानंद के जीवनी और उनके जीवन संदेश पर आधारित एक प्रोग्राम है। गत 2010 से मैं काम कर रहा हूँ और आज तक मैंने 350-400 से आगे प्रोग्राम किए हैं, हिंदी और मराठी में, पूरे देश में किए हैं प्रोग्राम। तो युवाओं तक जो स्वामी जी का जो आवश्यक मैसेज है, एक प्रेरणा, एक आत्मविश्वास और देश की उन्नति, तो वही मैसेज युवाओं तक पहुंचने का काम इस योद्धा सन्यासी, इस नाट्य मंचन के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। जी बता दीजिएगा, आज के कार्यक्रम द्वारा आप नए युवकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, बता दीजिएगा। युवाओं का यह संदेश है कि उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक काम करते रहो। हमें हमारे देश को विश्व गुरु बनाना है। ये तभी संभव हो पाएगा जब हम सब युवा, हम एक भारतीय बनकर इकट्ठा होकर सब राजनीतियाँ और सारी चीज़ों से परे जाकर देश की उन्नति के लिए अपने अपने क्षेत्र में प्रयास करें, तभी ये संभव हो पाएगा। जी कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आजकल के जो नव युवक हैं अपने मार्ग से विचलित हो गया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, युवा विचलित होने का कारण तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज में जो अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं हैं, जैसे राजनीति है या धर्म या अलग अलग प्रकार के पंथ है, उन्होंने युवाओं को सम्मोहित करके रखा है। जब तक वो सम्मोहन से बाहर नहीं आते, स्वयं विचार करने नहीं लगते, तब तक ये संभव नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं को पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, अपनी संस्कृति, अपना धर्म, देश की जो अपनी भारतीय विचारधारा है, उसका जो इतिहास है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका अध्ययन कर अपने स्वयं के विवेक को जागृत रखना चाहिए और सम्मोहन से बाहर आकर देश के लिए सोचना होगा, तभी जाकर ये स्थितियाँ बदलेगी। जी बता दीजिएगा, आज का कार्यक्रम आप लोगों का किस प्रकार से रहा? आज का प्रोग्राम का मुख्य मकसद था कि स्वामी जी के बारे में हम यहाँ की युवा और सीतापुर वासियों को इसका संदेश दे सके। स्वामी जी बहुत कम उम्र में क्या कर गए, समाज को क्या दे गए, इसके बारे में जागरूकता के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा था। और निसंदेह जिस टाइप के युवाओं का यहाँ पर और जितना विद्यार्थियों का यहाँ पर जिस टाइप का रिस्पॉन्स था, बहुत ही अच्छा था और एक सफल प्रोग्राम रहा। जी बता दीजिएगा, आज के कार्यक्रम के द्वारा आप लोग नवयुवकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज ज़्यादातर हम देखने को मिलता है कि युवा अपने रास्ते से, मुख्य मार्ग से भटक रहा है। तो हम लोग का एक जो विवेकानंद युवा क्रांति टीम जो सीतापुर की है, वो एक लक्ष्य को लेकर के कि युवाओं को एक दिशा मिल सके, तो इस क्षेत्र में हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है। तो ये सीतापुर की नगरी की एक छोटी सी जो टीम है विवेकानंद युवा क्रांति की, इसके जो सदस्य हैं काफ़ी जागरूक और उत्साह देने वाले टीम है और हम इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। क्लिपर 28 के लिए सीतापुर से रोशन सोनी की रिपोर्ट। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।